মেয়েদের সুযোগ মিলে যায়। শিক্ষাষ্টক में হরিনাম সংকীর্তন की মহিমা বতায়। চেতো দর্পণ মার্জনম ভবমহাগ্নি নির্বাপণম শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম বিদ্যাবধূ জীবন আনন্দম বুদ্ধিবর্ধনম প্রতিপদম পূর্ণামৃত সাধনম সর্বাত্ম স্নপনম পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন। ये परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, महाप्रभु ने ही ये कलि युग में उनका परम विजय होगा। परम का अर्थ श्रेष्ठ है, परम का अर्थ केवल भी, परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन, तो उनका ही विजय ध्वजा उड़ेगा। क्योंकि और चक्र तुम्हें अनावृत्ति उसमें आना नहीं होगा। कैसे? शब्दार्थ माने हेतु पंचमी। एक सूत्र है हेतु पंचमी, हेतु अर्थ पंचमी विभक्ति होता है, शब्दार्थ पंचमी विभक्ति, यानी शब्द के हेतु और संसार आना नहीं होगा, उसका अर्थ ये है। और अनावृत्ति शब्दार्थ, अनावृत्ति दो बार बोले, इसलिए शब्द को बार 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 भी अनुकीर्तन करना चाहिए। लेकिन कौन सा शब्द कुछ क्लियर नहीं है। उनका जब अकृत्रिम भाष्य किए भागवतम, भागवत में फिर उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मतलब श्री माने राधा रानी, और कृष्ण मतलब कृष्ण, इसलिए हरे कृष्ण राधा और कृष्ण के नाम। लेकिन संकीर्तन क्यों बोले? अब बता रहे थे ना, सम्यक रूपेण कीर्तन। एक तो संकीर्तन होता है सर्वे मिलित्वा कीर्तनम, सब लोग मिल करके जहाँ इकट्ठा होकर कीर्तन करते हैं, और एक बताया संकीर्तन और सम्यक कीर्तन मतलब क्या है, कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धाम संबंधी महिमा संबंधी कीर्तन। और दूसरा वाला है सारी रस का कीर्तन, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर। तो ये जो नाम संकीर्तन करने से, प्रभुपाद कहते थे कलिजुग के यज्ञ वही है सप्त जीवा संबलित, मैला ढक जाता है
तो उसको देख स्वरूप का दर्शन नहीं होता उसमें, फिर अपना रूप का उसको साफ करना पड़ता है। तो साफ कैसे होगा, अगर धूली है तो केवल धूली पड़ा है तो झाड़ देने से, कपड़ा में झाड़ देने से हो जाएगा, लेकिन पानी और कीचड़ मिला हुआ अगर लगा हुआ है तो उसको पानी चाहिए, और उसमें अगर ये लगा हुआ तो अगर लकड़ी का कवर है तो उसको भी छेनी क्या बोलते हैं, हाँ ये सब चाहिए। अगर फिर वज्र ले बहोगे तो डायनामाइट चाहिए। तो तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, अभी छोड़ दे बोले नहीं, उसको साफ करने में टाइम लगता है, इसलिए टाइम लगता है। धूली है तो दो चार साल में हो जाता है। एक बार हमें इसलिए भक्ति के मार्ग में समाज में पूछा था कि महाराज कि हम लोगों तो मठ में आए कीर्तन करने के, बहुत सारी इतनी बाधा विपत्ति समस्या उपद्रव ये सब आता है, क्या समस्या समझ नहीं पाते। बोले देखो भक्ति है अखिल रसामृत सिंधु, हमको ये प्रश्न आता है अखिल रस है जहाँ आनंद ही आनंद है भक्ति करने में, लेकिन इसी प्रकार से समस्या क्यों आता है। बोले तुम्हें किसका एक लाइफ में हो जाएगा, किसका कितना जन्म चला जाएगा, कितना एक दो साल में भी हो जाता है। तो पूर्व जन्म के संस्कार, हमारे गुरुवर्ग की वाणी पर विश्वास और हमारे प्रयत्न से भक्ति के लिए साधु संग के लिए कितना हम प्रयत्न है, तो उसी हिसाब से हमारा होगा। इसलिए बोले नाम सुन चेत आबाद ने निर्वापणम भव महादाभाग्नि महादाभ हजार लोगों आपका प्रोग्राम को देख रहे, तब मेंटल सेट वो भी सुन रहे हैं।
आपको ये कथा भी सुन दे। हाँ ठीक है, वो सुन करके वही सोच लेंगे। क्यों जा रहे हो, कथा खत्म नहीं हुई ना? बनाना तो दोनों थोड़ी बने, एक बनाना, एक सुन के जाओ फिर दूसरे सुनाएंगे क्या सुना है। आप बैठो, आप जाओ सुन के जाएंगे फिर उनको सुनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए साधक का हमारे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज कह रहे थे, साधु संघ का मतलब है भव संसार की असारता और उनकी ज्वाला, उनकी दुख को अनुभव करना और उसके बाद फिर कृष्ण भक्ति का रस और आनंद सारता उसको अनुभव करना। ये दो चीजें अगर अनुभव हो गया फिर वो हरिनाम में कृष्ण भक्ति। इसलिए निष्ठा मतलब वही है, हरिनाम करते करते जो अनुभव हो जाएगा। परंतु गोस्वामी महाराज इसलिए कहते थे कि जब तक साधक निष्ठा स्तर तक आने के लिए अपने की प्रयत्न बहुत ज्यादा चाहिए, गुरुदेव की ज्यादा प्रयत्न नहीं होता है, प्रयत्न होता है साधक की अनर्थ निवृत्ति हो करके, मतलब निष्ठा तक पहुंचने के लिए, अनिश्चिता भजन के पार हो करके। काफी अनर्थ है जो कि सुकृतिगत अनर्थ हो तो भाव अवस्था तक काफी अनर्थ रहता है, लेकिन वो निष्ठा तक, निष्ठा मतलब क्या है, निरंतरतामयी एक स्थिरता भजन अंग पालन में, ऐसा हरि नाम करना तो नियम पूर्वक स्थिरता आ गया, वो नहीं होगा तो चलेगा नहीं, मतलब रह नहीं पाएगा वो, ऐसा जो स्थिरता है उस स्थिरता तक आने के साधक की प्रयास चाहिए। महाराज बोलते थे इसी जीवन में किसी तरह से उतर चढ़ जाए, इसी जीवन में किसी तरह से कोशिश करो जिसे रुचि तक आ जाए। महाराज बोल रहे थे इसी जीवन में किसी तरह से कोशिश करो जैसे तुम्हारी भक्ति रुचि तक, तुम्हारी भक्ति आ जाए किसी तरह से रुचि तक। रुचि मतलब क्या है, जैसे कोई चीज़ बढ़िया चीज़ हो, अगर बढ़िया चीज़ हो ना अगर और एक बार दो, बहुत बढ़िया लग रहा है और एक बार दो, और एक बार दो, उस वजह से रुचि। इसलिए जब ऐसे जीवन में ये हो जाए भगवान की भक्ति के बगैर तुमको रहा नहीं है, भक्ति हरिनाम नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, अपना हरि माला नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो इसके बगैर तुम रह ही नहीं सकते। हरिनाम तक रुचि तक आ गया ना इस जीवन में, समझना ये जीवन में तुम्हारी वास्तव जीवन तुम्हारी धन्य हो गया है। लेकिन प्रभुपाद जो बोलते थे, प्रभुपाद और क्या भावना, प्रभुपाद बोलते थे कम से कम दो जीवन भगवान के पास में जाने के लिए दो जीवन चाहिए, दो जीवन तो चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे कम से कम इस जीवन में भाव दशा पर कोशिश कर आने के लिए, भाव तक आने के लिए कोशिश करो। फिर तो एक जीवन में तो कोई भगवान के पास में जा ही नहीं सकता, एक जीवन में नहीं जा सकते, इसलिए क्यों किसी जीवन में स्वरूप सिद्धि होगा, और स्वरूप सिद्धि के बाद में स्वरूप सिद्धि मतलब होता है जीव का अंदर में भगवान की सेवा करने का एक सख्य रस में हो, बात्सल्य रस में हो, श्रृंगार रस में हो, उसका एक नित्य स्वरूप विद्यमान है। कहते तो इसी जीवन में स्वरूप सिद्धि तक कोशिश करो और अगले जीवन में वस्तु सिद्धि। वस्तु सिद्धि मतलब फिर जो माया उसको लेकर के जिस ब्रह्मांड में कृष्ण लीला कर रहे हैं फिर वहाँ पर उनको जन्म देगा तो फिर वहाँ पर नित्य सिद्ध परिकर होगा, संग होगा, बस फिर उनका धीरे 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 उनको स्वभाव अंदर में है, हमारा स्वभाव अंदर में आएगा। फिर जब कृष्ण लीला समाप्त करते हुए अपने गोलोक वृंदावन में जाएंगे फिर भगवान को साथ में सीधा अपना आप भगवान का धाम में चले जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक जीवन नहीं दो जीवन तो लगनी चाहिए, दो जीवन तो लग जाएगा, लेकिन इसलिए ऐसे साधन होनी चाहिए। और मेरे तो गुरुदेव कहते थे, मेरे तो गुरुदेव कहते थे किसी तरह से एक जीवन कोशिश करो एक जीवन मठवास में बिताने, मेरे गुरुदेव कहते, क्योंकि गुरुदेव कहते मैं तो नयन मणि मंजरिका में शिष्य हूँ, प्रभुपाद का मैं आश्रित हूँ, इतने बड़े महापुरुष का। लेकिन जब प्रभुपाद चले गए हमने देखा कितने कितने अनर्थ, कितने जीवन में समस्या को जीवन में उठाना पड़ा,
प्रभुपाद से जो कथा हमने सुनी थी, किसी तरह से एक जीवन इसको आचरण करते हुए एक जीवन बिताना जीवन में कितना कठिन है, ये चीज को मैंने अनुभव किया है। मतलब जो रूप गोस्वामी कहते हैं सुदुर्लभ भक्ति सुदुर्लभ है, ये चीज को हमने अनुभव की। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे कोशिश करो एक जीवन किसी तरह से मठ में सब मिलजुल करके ठाकुर जी की सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए एक जीवन किसी तरह से बीत जाए। क्योंकि हम लोग जन्म जन्मांतर का अनर्थ हमारे हृदय में, जन्म जन्मांतर का अपराध हमारे हृदय में, गुरु वैष्णव तो किसी तरह से हमारे चोटी पकड़ करके कैसे यहाँ किसी तरह से ले आए। इसलिए प्रभुपाद जब अंतर ध्यान लीला कर रहे थे, सारे भक्तों को अंतिम उपदेश दे रहे प्रभुपाद, बोले सत्य लाछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुनकर भी हरि भजन नहीं छोड़ना है। हरि भजन जीवन में लक्षणा गंजना समझती हो, हरि जीवन में कोई अपमान करे, लाछना करे, हमें गंजना करे, गाली दे, लेकिन हरि भजन जीवन में नहीं छोड़ना। इसलिए भक्ति जीवन में बड़े बड़े बाधा विपत्ति आएगी, लेकिन सबको सहन करते हुए क्या करो, एक जीवन किसी तरह से भजन में बिताओ। मेरे गुरु जी का इसी जीवन में अगर बीत गया ना, कि हमारे संस्कार बन गए, हमारी अच्छी संस्कार बन गई, पर यही संस्कार क्या करेगा अगले जीवन में वो बढ़ करके प्रकट होता है। भक्ति कभी घट करके नहीं, हर जीवन में इसी जीवन में जो क्या अगले जीवन में वो भक्ति बढ़ करके प्रकट होगा, वो घट करके प्रकट नहीं होगा, बढ़ करके। लेकिन अगर इसी जीवन अगर मंदिर में नहीं बिता, फिर अगर संसार में चली गई, घर गृहस्थी पास गया, फिर जीवन तो दिन भर बस संसार में अपना जीवन संसार में चल जाए, फिर तो बड़ा कठिन है। इसलिए मेरे गुरु जी कहते हैं जीवन मठवास करके बिताओ। तीर्थंकर महाराज कहते थे जो संसार के विषय हम कैसे संसार में चले जाए, संसार में घर गृहस्थी करके भजन करें। तीर्थंकर महाराज कहते थे तो तुम्हारे लिए रिजर्व है ही, उसके लिए रिजर्व है ही तुम्हारे लिए, उसके लिए क्यों सोच रहे हो, कौन सा जीवन में तुम ये काम नहीं किया। कुत्ता हो तो कुत्ती मिल गई, सुअर हो तो सुअर मिल गई, गधा हो तो गधी मिल गई, तो यही करते करते जीवन में आया। तीव्र महाराज तू कब नहीं किया काम को, 84 लाख के जीवन में तुम यही काम करते करते आया क्या, यही तो करते करते आया। इसलिए तीव्र महाराज कहते थे एक जीवन सुस्तम करो, गुरु वैष्णव की सेवा में दो, यही तो करते करते तेरे रिजर्व ही, तो नहीं जाना पड़ेगा को तो वही जाना पड़ेगा, तुम तो ही करते। इसलिए वो कहते थे एक जीवन किसी तरह से बंद करो, बंद करके एक जीवन गुरु वैष्णव की सेवा भगवान की सेवा में लगाओ, नहीं तो 84 लाख के जीवन में तो ही करते रहो। इसलिए एक जीवन इस चीज को स्टप करके भगवान की सेवा गुरु वैष्णव की सेवा में एक जीवन लगाओ है। इसलिए वो कहते थे कोई कोई सोचता है ना, नहीं हम साधु कैसे बनेंगे, हमारा मन तो विषय में जा रहा है, संसार में जा रहा है, हमारा मन तो संसार बस, तो करते करते तो यही आया, उधर तो जाएगा, तुम तो करते करते यही करते करते आया ना, वो तो तुम्हारे जाएगा, तुम करते करते वही आए हो। इसलिए वो कहते थे मन जाने पर भी मन को समझा बुझा करके एक जीवन चीज को करो, और एक जीवन क्या करो भगवान के भजन में एक जीवन प्रभु का भजन में लगाओ, फिर बात अगले जीवन से फिर धीरे 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 वो चीज आगे बढ़ी। अगर फिर इसी जीवन में उसी चीज में लगा दिया फिर तो गया तुम सारी चीज से गया तुम। इसलिए वो कहते किसी तरह से एक जीवन को मंदिर में लगाओ, गुरु वैष्णव की सेवा में लगाते हुए जीवन को भजन में लगा। भक्ति में तो बड़ी बाधा है, बड़ी बाधा भक्ति में, लेकिन मैंने पर भी भजन में टिकी रहनी चाहिए। कल हम लोग सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे, इसलिए वो भक्ति लता बढ़ती है, लेकिन जब भक्ति लता बढ़ती है क्या होता है, कभी कभी जो पेड़ बढ़ती हैं कभी बच्ची और गैया आकर के क्या करते हैं तो खा जाते हैं चलते, क्या तो वो क्या चीज, जो बकरी गैया आकर के उसको खा लेते हैं, आवाज सुनाई पड़े, जो खा जाते हैं कहते वो क्या चीज है,
वह है वैष्णव अपराध। इसलिए कहते हैं महाप्रभु कहते हैं वैष्णव अपराध एक मत वाला हाथी, जैसे बाघ में प्रवेश करते हुए सूर्य में पकड़ करके जड़ समेत उसको उखाड़ देते हैं, इसलिए साधकों को वैष्णव अपराध से बचनी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भले ही भजन कम हो कोई बात नहीं, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं होनी चाहिए। इसलिए 10 तरह का अपराध में पहला जो अपराध ये वैष्णव अपराध है। वैष्णव अपराध बोलेंगे वैष्णव अपराध को सबसे पहले क्यों दिया, क्योंकि भक्ति में यदि जो गुरु निष्ठा भक्ति में ये सबसे श्रेष्ठ है। गुरु निष्ठा सबसे पहले तुम्हारी गुरु निष्ठा होनी चाहिए, तो वहां पर गुरु अवज्ञा क्यों नहीं दिया, वैष्णव अपराध क्यों दिया? बोले कारण गुरु जी को प्रति तो हमारी गौरव बुद्धि रहता है, यह हमारे गुरुदेव है, लेकिन कभी कभी वैष्णव को कभी कभी अनादर हो जाता है। वैष्णव को कभी कभी हम इज्जत नहीं दे पाते, इसलिए हमारे गुरु जी कहते बड़े गुरु जी कहते वैष्णव भी गुरु है, वैष्णव भी गुरु है, क्योंकि वो उदाहरण देते जैसे इनके गुरुदेव मेरे लिए क्या लगते हैं, वैष्णव लगते हैं। मेरे गुरुदेव इनके लिए क्या लगते हैं, वैष्णव लगते हैं, लेकिन उनका गुरुदेव उनके लिए क्या लगते हैं, गुरु लगते हैं। और मेरे गुरु मेरे लिए क्या लगते हैं, गुरुदेव लगते हैं मेरे लिए, तो उनका गुरु क्या गुरु नहीं, केवल मेरे गुरु का गुरु है। इसलिए जो वैष्णव चरण में अपराध होते हैं, कहते एक तरह का गुरु जी के चरण में ही अपराध होना है। इसलिए पहला अपराध उन्होंने वैष्णव अपराध उन्होंने बताया। इसलिए कल सुन रहे थे महाप्रभु अपना मैया को भी उन्होंने माफ नहीं किया, इसलिए उनको मैया को जाकर के जो सच्ची मैया जो साक्षात जसोदा जाकर के उन्होंने क्या की, अद्वैत के चरण में जाकर के माफी मांगी, माफी मांगी अद्वैत प्रभु चरण में। फिर जाकर के महाप्रभु उनको प्रेम प्रदान करते हैं, कहते महाप्रभु की लीला में और एक लीला महाप्रभु दिखाया, कहते एक गोपाल चापाल था, वो बड़ा वैष्णव निंदुक है, और श्रीवास पंडित है जो नारद जी का अवतार, ये चार भाई हरिनाम करते थे दिन रात बैठ गए घर घर मदिरा मृदंग लेकर के हरिनाम करते थे, लेकिन वो चिढ़ता था, वो चिढ़ता था। एक दिन क्या किया, इनको बदनाम कराने के लिए इनको घर को सामने एक फूल होता है जवा फूल, जिस फूल से माँ देवी की पूजा करते हैं, कुछ शराब है और जवा फूल है और पूजा का कुछ सामग्री मांस ये सब लेकर के शराब लेकर के उसका घर को सामने रख दिया। आओ जब रात को सवेरे हुआ तो सब लोगों को बुला, बोले देखो अब लोग बोलते हो ना ये भजन करते हैं, यही भजन करते हैं, ये सब रात को ना माँ देवी की पूजा करते हैं, मांस मदिरा देकर फूल देकर के स्वर्ग से सुंदर सुंदरी अप्सरियों को बुलाते हैं और उनको साथ में रात को भोग करते हैं, और वो कहते हैं हम तो रात में भजन करते हैं, ये साधु लोग ये सब काम करते देखो आकर। लेकिन वैष्णव लोग कभी अपराध नहीं लेते हैं, क्योंकि जो वैष्णव है उनका हृदय बताए हैं, वैष्णव का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, वो किसी की अपराध नहीं लेते हैं। लेकिन उनका जो चरण धूलि वो किसको नहीं छोड़ता है, उनका चरण धूलि किसको नहीं छोड़ता है, उनका चरण धूलि भी साक्षात है वो साधारण वस्तु नहीं। इसलिए क्या हुआ, जो गोपाल चापल का शरीर में कूड़ हो गया, कुष्ठ व्याधि, गला में कुष्ठ हो गया, नाक में नाक गलने लग गया, गला गलने लग गया, हाथ सब के सब है, कभी जो ये कुष्ठ रोग है कूड़ बीमारी ये सबसे खतरा बीमारी सबका सही ये कर सकते सही, लेकिन ये बीमारी हो जाए ना फिर धीरे धीरे, और ये बीमारी को बताइए कब होता है, जब वैष्णव अपराध होता है ये सबसे, और बताए सबसे बड़ा जो खतरनाक वैष्णव अपराध है, वैष्णव अपराध, और ये अपराध होने से ये सारी बीमारी होता है, ये सारी बीमारी होता है। इसलिए हमारे उड़ीसा में पुरी में वहाँ पर श्री लोकनाथ है शंकर जी, जिनको ये कुड़ बीमारी होता है ना उनको वहीं पर जा करके
वहीं पर आश्रम वहाँ पर घर उनके लिए अलग बनाया हुआ, वो जाकर के वहीं पर रहते। बोले क्यों? बोले सबसे बड़े श्री शंकर जी, उनके शरण में अगर रहने पर हो सकता है कि अपराध माफ हो जाए, है माफ हो जाए। इसलिए अभी तो उनका इतने कष्ट हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है। उन्होंने महाप्रभु के पास में गए, बोले प्रभु मैंने अपराध किया, इसलिए देखो मेरे शरीर में कुष्ठ व्याधि हो गया, बड़ा कीड़े पड़ गए, बड़ा कष्ट उठा रहा हूँ, इसलिए अपराध माफ कर दो। बोले देखो अगर प्यार में कांटा चुभ जाए ना तो सर में नहीं निकलता है, प्यार में निकलेगा। इसलिए जाओ जिसके चरण में अपराध किया उनके चरण में माफी मांगो। फिर उनने श्रीवास पंडित के चरण में आए, माफी मांगी। वैष्णव लोग बड़े दयालु बड़े कृपालु होते हैं। फिर जब उन्होंने माफ किया फिर जाकर ये सही हुआ। इसलिए ये वैष्णव अपराध बड़ा खतरा है। और श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, कहते श्री सौभरी ऋषि है, ये सौभरी ऋषि कालिया हृदय में बैठ करके ये भजन कर रहे थे, पानी को अंदर में भजन कर रहे थे। एक बार गरुड़ जी गए और वहां से एक मछली पकड़ कर खा लिया, तो बड़े मछली को खा लिया, उसको भी कुछ बच्चे थे, तो मैया को जब कोई खा जाएगा तो बड़े दुखी हो गए। अभी उनकी दुख देख करके सौभर ऋषि ने गरुड़ जी को अभिशाप दे दिया, बोले तुमने यहाँ आकर के बड़ा मछली उठा कर खा लिया, अगर दो बार कभी यहाँ पर आओगे, अगर कभी मछली खाओगे ना तेरे को अभिशाप देता हूँ, तेरा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अभी गरुड़ जी आए नहीं है, गरुड़ जी नहीं आए। कहते एक तरह से गरुड़ जी कौन है, ये भगवान विष्णु का भाई है, वैष्णव है, ये वैष्णव है। अभी इनका अपराध हो गया, वैष्णव जाना। बोले क्यों अपराध हो गया है? कारण है गरुड़ जी तो भगवान की भक्त है, उनका आहार तो मछली है, उनकी आहारी मछली है उनको, इसलिए उनको कोई अपराध नहीं लगता, उनको कोई पाप नहीं लगेगा। बल्कि ये भगवान के भक्त होने का नाते किसी को खाया तो उसका उद्धार हो, उसका कल्याण है। लेकिन सौभर ऋषि ने साधारण मछली की करुणा में आकर के उनका दुख को देख करके उन्होंने अभिशाप दिया, सौभर ऋषि को अभिशाप दिया तो श्री गरुड़ जी को। इसलिए ये सौभर ऋषि दया तो किया मछली को ऊपर में और अभिशाप दिया वैष्णव को, तो उसका फल किया है। जब वैष्णव चरण में अपराध होता है ना, उसके हृदय में संसार की वासना जगता है, हृदय में संसार करने का वासना जगता है, घर गृहस्थी करने की इच्छा करती है। क्योंकि शास्त्र में हमारे के संत कहते थे अगर किसको प्रतिशोध लेना है, किसको प्रतिशोध लेना है, उनको दो चीज करवा दी हो जाएगा। बोले क्या? बोले उसके लिए शादी करा दो, नहीं तो उसको एक पुराना गाड़ी देगा, पुराना गाड़ी कोई दे दो, शादी करा दो। बोले क्यों? अब देखना पुराना गाड़ी ले, एक व्यक्ति गाड़ी को बेच देता है, जब देखता है बार-बार खराब हो रहा है, सही सही नहीं हो रहा है, तभी जाकर गाड़ी को बेच देता है। अगर वो गाड़ी अगर दे दोगे ना, बात कुछ दिन बाद फिर खराब होगा, फिर पैसा लगा, फिर खराब होगा, फिर सारे पैसा उसमें जाएगा। और दूसरा करो उसको शादी करवा दो, शादी दो काम को एक काम करवा दो। शादी जब करवा दो क्या होगा, अभी दिन भर उसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन संसार में कौन किसका, कोई किसका है ही नहीं। कहते किसे रे संसार यही छायावादी प्राय, यहाते ममता गरीब वृथा दिने जाए। हाँ, इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते किसे रे संसार, कौन किसका बीवी, कौन किसका बच्चा, कौन किसका पति है, कोई किसका है ही नहीं है, कोई किसका है ही नहीं। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं सीत आत प बात बरिशन ए दिन जामिनी जागिरे, विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लगलागी। भक्तिमन ठाकुर कहते हैं दिन में सारा दिन धूप में काम करना है, कभी बारिश आ जाती है, कभी ठंडा आ जाता है, दिन रात परिश्रम कठोर परिश्रम करता है। देखना एक व्यक्ति दिन भर काम करते 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 घर में आएगा, आते ही बीवी इतना ढेर कर दिया, बच्चों को पढ़ाना नहीं, घर में सब्जी नहीं, ये ला फिर भागो, दिन भर काम करते करते आया, फिर पत्रिका गाड़ी सुनो, फिर दिन भर भागो। बोले क्यों? बोले चपल सुख लब लागिरे,
झूठे सुख के लिए ये दिन पर लगा हुआ है। बोले ए दिन जामिनी दागिरे विफल से बिनु कृपणा दुरजन। भक्त मन ठाकुर के बोले किसके लिए कर रहे हो तुम, कर रहे हो किसके लिए, कौन किसका चप्पल सुख मतलब झूठे सुख के लिए, तुम तो लगता है सुख है, सुख नहीं। दिन भर काम करो, परिश्रम करो, गधे जैसे घर में गाली सुने सबका, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, कुछ नहीं। सब छोड़ कर जाओगे, राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बस सारे यही पर रह गया, इसके लिए करते हो तुम। इसलिए जब उन्होंने ये अपराध किया, वैष्णव चरण में अपराध करने पर फल किया, बोले संसार गति कि संसार में गति होता है। संसार मतलब होता है समित रूप में जो शरद की संसार दावा नल लीक जो बुलाते हैं ना, संसार लीक दावा नल, उसमें आग लगी हुई है, हैं तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, बीवी से दुखी, परिवार से दुखी, बच्चे से दुखी, बहू से दुखी, ननद से सुखी, सास से दुखी, दुखी दुखी है, हैं। इसलिए उसके हृदय में संसार की वासना जगा, संसार की वासना जगा तो उसने जाकर के मांगा था कि 50 बेटियों को शादी किया, 50 बेटियों को। जब उसने गया उसने देखा दो मछली आपस में मिल रहे हैं, मछली दो आपस में मिल रहे, मछली को देख करके ना इतना आनंद ले रहे, दोनों मिल गए आनंद ले रहे, मछली को देख कर उसके हृदय में संसार की वासना आई ना। बोले क्यों आई, पानी को अंदर में बैठ कर इतने तपस्या, 60,000 साल तपस्या किया उसने, बोले इतना तपस्या करके उसका हृदय में क्या आया, जाओ घर गृहस्थी करो, संसार करो, हैं। जा करके सोचा भैया सब मन में संसार की वासना आ गया, तो मानता था राजा के पास में उनको 50 सुंदरी सुंदरी लड़कियां थी, लड़कियां थी तो राजा से बोले आप एक लड़की दे दो, शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने देखा उसका शरीर हड्डी हड्डी और मेरे राजकुमारी एक से एक सुंदरी है, एक से एक सुंदरी है, बोले मेरी लड़कियाँ इतनी सुंदरी और ये कहता है शादी करने के लिए, लेकिन शरीर में हड्डी हड्डी लड़की तो कोई पसंद करेगी, कैसे शादी करा दूँ। फिर उन्होंने बात को घुमा दी, बोले देखो हमारी एक प्रथा है हमारी वंश में, उसमें स्वयंवर सभा होता है, स्वयंवर सभा मतलब बड़े बड़े राजा लोग आते हैं, लड़की को जिसका पसंद होना वो अपना पसंद का अनुरूप गला में माला डालती है। इसलिए हमारी एक नियम देखो, स्वयंवर सभा में अगर कोई लड़की अगर आपको कोई वर्ण कर लिया तो अच्छी बात, तो समझ गया मेरे शरीर में हड्डी हड्डी रह गया ना, ये लड़कियाँ मेरे को पसंद नहीं करेगी, इसलिए ये ऐसे बात को घुमाया। बोले इनको क्या पता मैं क्या कर सकता हूँ, उतना अपना योग प्रभाव से इतना सुंदर रूप उसने धारण किया, 50 लड़कियां तो पागल हो गई झगड़ा करने लगी, कोई बोल रही मैं इसे शादी करूंगी, कोई बोल रही है कैसे पहले मैं मन मन में पति बांध लिया है, तीसरा कहती है मैं शादी करूंगी, 50 लड़की में लड़ाई आना शुरू हो गई। वो इतना प्रभाव था, उसने 50 राजकुमार रूप धारण किया, 50 और 50 के लिए अलग अलग महल बनाए, सबके साथ में अलग अलग रूम में रहा है, रूम में रहा। लेकिन बाद में उसको इतना घृणा आई, इतना घृणा उसको बाद में आई है, तब यहाँ पर कहते हैं बोले भैया तो बढ़िया हुआ 50 सुंदरी सुंदरी राजकुमारी को साथ में उसने शादी कर दी, अच्छा बात है, इसको एक लड़की नहीं मिलती राजकुमारी, उसको तो 50 राजकुमारी मिल अच्छी, नहीं जो ब्रह्म विद्या उसने प्राप्त किया, जो ब्रह्म तेज को प्राप्त किया, जिसको द्वारा वो भगवत प्राप्त कर सकता था, लगाया कहाँ पर, बोले ये संसार में उसने लगा दिया, जिसमें जैसे आग में जैसे घी डालो वो कभी बुझती नहीं, वो धधकती है, इसलिए उसने 50 लड़कियों से शादी किया, लेकिन उसको हृदय में कोई शांति नहीं मिल रहा था, कोई अशांत हृदय, हाँ हृदय अशांत है, कोई हृदय में शांति नहीं, लास्ट उसने सब त्याग, सब त्याग दे करके हाय रे कहाँ मैंने प्रभु का भजन कर रहा था, उसमें कितने आनंद है, कितने शांति सुख, कहाँ ये ब्रह्म, हाँ कहाँ ये ब्रह्म जो शक्ति को हमने कहाँ ये गंदा संसार में हमने लगा दिया है। इसलिए कहते जब वैष्णव अपराध हो जाता है भगवान उसको दंड देने के लिए संसार में जाओ, संसार में दिन भर गधे जैसे काम करो, हैं दिन भर गधे जैसे संसार में काम करते रहो, जब सबका दंडा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा ना
बीवी का बेटा का नाती का पोता, अब देख रहा संसार में वो व्यक्ति सारा दिन काम करता है, परिश्रम करता है, सबको गाली सुनता है, सबका गाली सुनता है, इसलिए कहती वैष्णव अपराध का फल है। उसमें तीसरा उदाहरण दिए है श्री दक्ष प्रजापति, उन्होंने 10,000 संतान को जन्म दी, सृष्टि किया और उनको गुरुकुल में भेज दिया। जब गुरु कौन बोले श्री नारद जी, जब उनको पूरा पढ़ाई खत्म हो गया अभी वो वापस जाएंगे, तब श्री नारद जी कहते बच्चों अभी घर गृहस्थी करने जा रहे हो ना, सावधान होकर के जाओ। इसलिए तब उन्होंने उनको कुछ कूट प्रश्न किया, तो उनका पहला प्रश्न था बताओ ऐसे कौन सा बिल है जो बिल में एक बार घुस जाओ ना निकलने का रास्ता नहीं मिलता, बता सकते हो? बोले गुरुदेव बिल में घुसेगा तो निकल, बोले यही तो प्रश्न है, जिस बिल में एक बार घुस जाओ ना जिससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। बोले वो क्या है? बोले गृहस्थी, घर गृहस्थी है। हम सोचते हैं बेटा बड़ा हो जाएगा चैन मिलेगा, सोचते बेटी के साथ बेटा का शादी हो जाएगा तो चैन मिलेगा, तो बेटा का नौकरी हो जाएगा तो शादी मिलेगा, जिनका कि नाती पुत्र उनको चैन मिलेगा। देखना बल्कि जितने संसार करते जाओ उतने संसार में फंसते जाओ, सोचते बेटा अगर शादी हो गए तो चैन, नाती पुत्र हो गया, आपने सुना रहेगा ना, अरे बहुत आना मारेगी, पहले तो चली जाती थी कहीं सत्संग में, अगर नाती पति को नहीं पकड़ो ना डोकरी घूमती रहती है, हैं सत्संग में घूमती रहती है, बच्चे को नहीं पकड़ती है, हैं फिर तो खुद नौकरी में चली जाएगी, मगर बच्चे को पालो, बच्चे को पालो। इसलिए वो ऐसे एक बिल है जिस बिल में एक बार चले जाओ ना निकल नहीं सकते हो, मरने का पहला तक भी उससे निकल नहीं सकते हो। बेटी को ये करना, नहीं तो किसी बेटी की शादी नहीं हुआ, नहीं तो बेटा की नौकरी नहीं मिली, देखना मरने का पहला तक भी बेचैन 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 से रहता है। सिर्फ दूसरी प्रश्न किया बताओ तो ऐसे कौन सा हंस जो विचित्र बात करता है, बोले शास्त्र है विचित्र बात, क्या विचित्र बात करता है, बोले तू यहाँ के है ही नहीं, हम क्या सोचते हैं ये हमारी दुकान मकान बीवी संसार, बोले तुम यहाँ के नहीं, तुम तो रहने वाले भगवान के, तुम तो मानस सरोवर का हंस है जो भगवान की प्रेम मधु को पान करने करने वाले हैं, तुम कहाँ ही कीचड़ में फंसा हुआ हो, इसलिए अपना घर में वापस चलो। बोले घर तो ये बनाए ना है, बोले नहीं ऋतु जो कर आप रहे हो तुम इसी जगत का है ही नहीं, तुम तो जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तुम भगवान की सेवक हो उनकी संतान हो, उनको भूलने का नाते ये जेल है, ये माया ने बह नहीं जा सकती, ये जेल बनाया। बोले क्यों? बोले डंडे मारने के लिए है, जेल में क्या होता है डंडा ही पड़ता है, इसलिए ये जेल है, इसलिए अपना घर में वापस चलो, अपना घर में चलो। उनका तीसरा प्रश्न है ये बताओ ऐसे कौन सा चक्र है जो बिना घुमाए अपने आप घूमता है। बोले गुरु जी सब चक्र तो घुमाना पड़ता है, अपने आप कौन सा चक्र घूमता है, यही तो प्रश्न है, जिसको कोई घुमा नहीं रहे लेकिन वो चक्र अपने आप घूम रहे हैं। बोले ये कौन सा चक्र? बोले काल चक्र है, जिसको कोई घुमा नहीं रहे हैं, पता नहीं कब जन्म हुए कब बड़े हो गए, दिखाई पड़ाई किया शादी शुदा कर दिया, दो चार बच्चे हो गए, करते करते धीरे धीरे आँख में देखना कम हो गया, बाल पकना शुरू हो गया, दांत टूटना शुरू हो गया, डंडा पकड़ने लग गए, फिर राम नाम सत्य है, सत्य बोला सत्य है, हैं इसलिए क्योंकि ये चक्र को कोई घुमा नहीं रहे हैं, ये चक्र अपने आप, ये चक्र अपने आप, ये चक्र घूम रहे हैं। बोले जीवन का सबका चक्र तो घूम रहा है लेकिन एक व्यक्ति का चक्र घूम नहीं रहा है, एक व्यक्ति का चक्र एकदम स्थिर है। बोले किसका चक्र स्थिर है? बोले आयुर हरत वही पुंसान उद्दन अस्तन च जन सौ तस्रिते जम खणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। जो व्यक्ति इतना समय केवल प्रभु की चर्चा में प्रभु की भजन में प्रभु की भक्ति में हम लगा रहे हैं, बस वही काल वही पर समय को उसका हरण नहीं कर पाता है, उसका ही चक्र बंद है, उसका जीवन का चक्र घूम नहीं रहे, जितना समय हम माया में लगाते थे हमारे समय उसका बर्बाद हो जाता है। तो उन्होंने पूछा भैया ये बता पिताजी का आदेश क्या है, पिताजी का आदेश क्या है?
बोले पिता तो हमको आपके पास में भेजे, जाओ लेखा पढ़ा सके। बोले ये पिता तुम्हारे नहीं है, नहीं। ये तुम्हारे पिता ही नहीं, हर जीवन में नए नए पिता मिलते हैं, असली पिता कौन है? बोले तुम्हें ही वो माता च पिता, तुम्हें ही वो, तुम्हें ही वो बंधु सखा, तुम्हें ही वो, बोले तुम्हें ही वो विद्यांग द्रविण, तुम्हें ही वो, तुम्हें ही वो सर्वम मम देव देव, भगवान ही हमारी परम पिता। बोले उनका क्या आदेश है, उन्हें क्या आदेश दिया है? बोले उनका केवल एक ही आदेश है, स्मर्तव्य सततम विष्णु भी स्मर्तव्य करना चाहती है। मतलब है हर समय उनको याद करो, यही उनका आदेश है। और उनका आदेश क्या, नहीं कभी भगवान को भूल मत, उनको भूलना नहीं, और हर समय क्या करना, भगवान को याद करना, केवल केवल उनका एक ही आदेश है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मनमना भव, मन और किसको मत तो केवल मन पूछेगा, मत भक्त भव, भक्त और किसका नहीं बनना, हमें भक्त बनो। माम जाजी पूजा और किसको नहीं करना, मेरी पूजा करना। माम नमस्कुरु, नमस्कार किसको करना, मेरे को ही नमस्कार। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल उनका एक आदेश है, सब छोड़ कर तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में ही तुमको शांति सुख, मेरे शरण में तेरे को प्राप्त होगा, यही केवल भगवान के एक आदेश और कोई भगवान के आदेश नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्रुति सिद्धांत यह उरुगारी भजिए राम सब काज विचारी, उनका यही एक आदेश है, श्रुति सिद्धांत एक ही बात कहता, भजिए राम सब काज विचारी, सब छोड़ करके राम की भजन का। बोले ठीक है सब सीख गया, अभी तो घर में वापस जा रहे हो ना, अभी जाओ अभी संसार करने के लिए जाओ। बोले गुरुदेव इतने ज्ञान के बाद में फिर संसार की इच्छा नहीं, हम तो एक इच्छा भी आपके चरण में रहकर भजन करें। बोले भजन करो। बोले गुरुदेव कथा तो बहुत सुन लिया, लेकिन जब तक आपका कृपा नहीं होगा तब तक संसार बंधन से मुक्त होना बड़ा है, हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन अपना जीवन में आचरण बड़ा कठिन। गुरुदेव आप तो बता दिया संसार अनित्य, जीवन मिला भजन करने के लिए, लेकिन ये ज्ञान तब तक नहीं टिकेगी जब तक साधु गुरु वैष्णव का कृपा नहीं हो, इसलिए आप कृपा करो। फिर नारद जी सर पर हाथ रखे, उनका दिव्य ज्ञान उदय हुआ, सबके सब साधु, कोई घर में वापस नहीं गया। अभी इसको सुन करके दक्ष प्रजापति को तो बड़ा क्रोध आया, भले सबको भीख मंगाने वाले बना दिया, खुद का भी घर ठीक है, खुद का भी कोई घर नहीं है और खुद भीख मांगकर खाते हैं, और मेरे सारे बच्चों को भीख मंगाने वाले और उनको इसे पागल बना दिया। बोले ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, फिर 10,000 जन्म दिया। एक कुट प्रश्न किया, कुट प्रश्न किया तो फिर जब वो कथा सुने बस, बोले जाओ घर गृहस्थी, बोले नहीं, बोले क्या करना, बोले बड़े भाई जो काम किया वही तो काम, छोटे भाई को तो कोई काम करने चाहिए ना, इसलिए उन्हें भी सबके सब साधु हो गए। दक्ष प्रजापति को तो बड़ा क्रोध आया, तो उनने नारद जी को अभिशाप दिया, बोले एक जगह पर बैठी बैठी करके हैं बच्चे को जन्म नहीं देते, बच्चों को बिगाड़ते रहते थे, हैं तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, एक जगह पर एक मुहूर्त से ज्यादा समय तो टिक नहीं सकते हो, क्योंकि एक जगह में बैठ कर टिकोगे तब तो दूसरों को बिगाड़ोगे ना, अगर एक जगह पर नहीं रह पाओगे तो फिर बच्चों को कहाँ से बिगाड़ोगे तुम, हैं कहाँ से बिगाड़ोगे। लेकिन साधुओं में कितने शक्ति उनको क्या पता है, एक मुहूर्त तो उनके लिए बहुत है, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट होता है, हैं लेकिन श्री पृथ्वी महाराज कहते हैं तुलया मलविना पी न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यनाम चिंता शिष्य। जीवन में अगर एक है एक लव साधु संग हो, एक लव साधु संग कितना समय है, एक सेकंड को 11 भाग कर लो, है एक सेकंड को 11 भाग कर लो, 11 भाग का एकमा भाग को एक लव कहते हैं। अगर जीवन में इतना समय अगर साधु संग हो जाए बस उसके जीवन कल्याण है। इसलिए कहते ना साधु संग सर्वशास्त्र गए लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि आए। बोले ना स्वर्गम ना अपुनर्भव, जिसको साथ में स्वर्ग और मुक्ति सुख तक भी बराबर नहीं कर सकते हो, साधु संघ की इतनी महिमा, बोले अच्छी बात है।
नारद जी तो अभिशाप दे दिया, बोले बढ़िया है, एक जगह पर बैठ करके दूसरों को भजन में लगाता था ना, अभी तो सब जगह घूमते रहोगा, सबको भाव बनाते रहोगा, सबका साधु बनाते रहोगा। कहते यही अपराध है। नारद जी को उन्होंने अभिशाप दिया, नारद तो अच्छा काम किया, उनको पता है जीवन 84 लाख जन्म को बाद में मिलता है, हैं? अगर किसी व्यक्ति को अगर कल्याण कर दिया, प्रभु को भजन में लगा दिया, प्रभुपाद कहते हैं करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल खोल दो, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोल दो, करोड़ों करोड़ अन्न छत्र खोल दो, एक व्यक्ति को भगवान की बार में समझा बुझा करके अगर उसको प्रभु का भजन में लगा दिया तो उससे अनंत करोड़ गुण में ज्यादा तुम्हारी लाभ होगा, पुण्य होगा, हैं? क्योंकि एक जीव को अगर प्रभु का भजन में लगा दो, हैं? भजन में लगा दो उनको, इसलिए वो तो उनका जीवन सुधार दिया, कल्याण कर दिया, क्यों ये झूठे संसार में पड़ करके भटकते रहेंगे, ठाकुर के पास में चले जाए तो आनंद आनंद। लेकिन दक्ष प्रजापति अभिशाप दिया उनको, लेकिन ये अभिशाप दिया तो वैष्णव अपराध हो गया, साधु चरण में अपराध हो गया। खैर ये अपराध बढ़ते 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 भयंकर रूप धारण किया, हाँ बड़ा बहुत भयंकर। फिर क्या रूप धारण किया? फिर तो उन्होंने दक्ष, जब श्री ब्रह्मा जी दक्ष को प्रजापति पद में नियुक्त किया, कुंभ मेला हो रहा था, सारे देवता लोग आए हुए थे, और ये दक्ष प्रजापति जान बूझ करके लास्ट में आया, क्यों? मैं दक्ष प्रजापति हूँ, मेरे को ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद में नियुक्त किया, इतना बड़ा पोस्ट में, जब मैं बाद में आऊंगा सब लोग खड़े होकर मेरे को सम्मान करेंगे, उसका अंदर ये बुद्धि आया है, इतना बड़ा। जब आए सबके सब खड़े हुए, लेकिन दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, शंकर जी और ब्रह्मा, ऐसे ऐसे रहा था, यहाँ पर कौन है जो मेरे को सम्मान नहीं कर रहा, कौन कौन खड़े हुए नहीं खड़े हुए। जब देखा दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, बोले भैया ब्रह्मा जी तो पिता है, कोई बात नहीं, पिताजी नहीं खड़े हुए, लेकिन ये शंकर जी तो मेरे दामाद है, और सबसे सुंदरी प्यारी बेटी को मैंने शादी दिया, मैं तो पिता लगता हूँ ना, हैं? और ये खड़े होकर के मेरे को सम्मान नहीं दिया, मेरे को सम्मान नहीं दिया। इसलिए भरी सभा में शंकर जी को इतने बुरी बुरी गाली, बंदर जैसे आग देखो लाल लाल करके जैसे बैठा हुआ है, इसलिए मैं इसको अपना बेटी देना नहीं चाह रहा था, सबसे सुंदरी सबसे प्रिय और मृग नयनी मेरी बेटी, ब्रह्मा जी बोलने पर मैंने शादी दिया, ये दुष्टों को अपना बेटी देना नहीं चाह रहा था, मैं तो पिता हुआ ना, देखो मैं आया तो मेरे को खड़े होकर थोड़ा स्वागत भी नहीं कर पाए, उनको तो गाली ऊपर गाली, और लेकिन शंकर जी बैठे करके मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी व्यक्ति को गाली दो अगर वो बैठ करके मुस्कुराए फिर क्या होता, और क्रोध चढ़ जाए, और देखो इस तरह सर्वतगिनी में नहीं है, मैं गाली दे रहा हूँ और बैठे बैठे करके मुस्कुरा रहे हैं, है तो शंकर जी सबके सब है, इसलिए सबके सब उनको गाली देने लग गया। जब गाली देने लग गया इतने में वहां पर बैठा हुआ था नंदी, बोले हरिहर निंदा सुनई जे काना वही पाप गो भात समाना, बोले शंकर जी अगर तीसरे नेत्र को खोल देना दुनिया को ध्वंस कर देते हैं, कुछ चुपचाप बैठे हुए कुछ बोल नहीं रहे और ये बगबग 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 करते करते जा रहे हो, बोले जा तेरे सर पर बकरी का सर लग जाएगी, हैं? बकरी का सर लग जाएगी। वहां पर तो गाली गलत होने लग गई, हैं? शंकर जी ने देखा हे भगवान कहाँ समारोह सभा हो रहा था, लेकिन यहाँ तो है यहाँ तो गाली गलत होने लग गई, यहाँ तो सापा सापी होने लग गई। शंकर जी प्रश्न होता है शंकर जी खड़े क्यों नहीं, खड़े हो जाते पिता लगते ना, थोड़ी सी खड़े हो जाते सम्मान कर लेते इतना झगड़ा नहीं होता। उसका दो कारण बताया, पहला कारण बताया ये शंकर जी कौन है, ये श्रेष्ठ वैष्णव है, ये उत्तम महाभागवत है, उत्तम महाभागवत का लक्षण किया, बोले सबका हृदय में जो भगवान को दर्शन करता है वो शरीर को दर्शन नहीं करता, सभी के हृदय में ठाकुर को दर्शन करता है, इसलिए उन्होंने दक्ष प्रजापति का हृदय में जो भगवान का निवास इनको उन्हें प्रणाम किया। लेकिन ये दक्ष है ना, बोले किस चीज की, बोले संसार में दक्ष है भक्ति में नहीं, इसलिए शंकर जी की उच्चाई भावना को नहीं समझ पाए। दूसरा कारण बताए प्रणाम नहीं क्यों किया, बोले जैसे पेड़ का जड़ में पानी देने से पेड़ पूरा हरा भरा हो जाता है, आहार मुंह में देने से सारे इंद्रिया काम करते हैं,
इसलिए उनके हृदय में जो परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं उनको प्रणाम। जब भगवान को प्रणाम कर देते हैं कहते विश्व ब्रह्मांड तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट, अगर प्रभु संतुष्ट हो गए विश्व ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाता है, सारा दुनिया संतुष्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, लेकिन ये उनकी भाव को उन्होंने नहीं समझे। फिर क्या फल क्या हुआ, जिस समय फिर उसने प्रतिशोध लेने के लिए कनखल में फिर यज्ञ करवाया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। माता पार्वती जब वहां पर गई शंकर जी मना करने पर भी, तथा सबका भाग सिर्फ शंकर जी की भाग नहीं, वहीं पर सती ने बोली ये शरीर जब तक रहेगा दुनिया क्या बोलेगी, दक्ष प्रजापति का बेटी जो शंकर जी को विद्रोह करने वाले उनको बेटी दुनिया बोलेगी। इसलिए जिनके प्रिय ना राम वैदेही जिनका प्रिय राम और सीता नहीं, ऐसे संघ को त्याग देनी चाहिए। इसलिए सती ने वहीं पर बैठ करके अपना जुगाग्नि से अग्नि को प्रकट करके शरीर को त्याग दे दी। शंकर जी के गणों ने शंकर जी को जाकर के बोल दिया, शंकर जी के जटा को पटक दिया, वहां पर वीरभद्र प्रकट हुआ। बोले क्या आदेश है, बोले जाओ यज्ञ को ध्वंस विध्वंस कर दो। वहां जा करके उन्होंने यज्ञ को ध्वंस कर दिया। शंकर जी की निंदा का समय जो ऐसे ऐसे आग कर रहे थे, शंकर जी की उनका आग निकाल दिए, जो दाढ़ी ऐसे हिला रहे दाढ़ी उखाड़ दिए, जो हंस रहे थे उनको दांत तोड़ दिए, किसका हाथ तोड़े किसका पाम तोड़े, देवता जितने लोग थे हैं सबका हाथ पा तोड़ दिए, और दक्ष प्रजा करके सर काट करके स्वाह कर दिए। यहाँ सिखा देते ही जब वैष्णव अपराध होता है वो इतना खतरा वैष्णव अपराध, दक्ष प्रजापति जैसे गला काट दिए उनके, और वैष्णव अगर कहीं अपराध होती है अगर उसमें कोई अनुमोदन करता है वैष्णव अपराध की, कोई ऐसे आग कर रहा था आग निकाल दी, दाढ़ी हिला रहे थे दाढ़ी उखाड़ दी, हंस रहे थे दांत तोड़ दिए, और वो यज्ञ में जो आए थे क्यों, जिसमें सी भी विहीन यज्ञ, जिसमें शंकर जी की जहां पर सम्मान नहीं, शंकर जी वैष्णव नाम जथा संभू, वो यज्ञ में अगर कोई आए तो उसका भी परिणाम ही आए, हाथ प्यार सबको तोड़ दी। ये क्यों हुआ है, बोले ये वैष्णव अपराध से। एक नारद जी के चरण में अपराध किया, वही अपराध बढ़ते बढ़ते यहां तक आया पूरा ध्वंस। इसलिए महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी को, जब पेड़ बने जाता है उस समय में कोई बकरी गैया पर खा जाता है उसमें सावधान रहना, मतलब वैष्णव अपराध नहीं हो जाए, गुरु अवज्ञा नहीं हो जाए, फिर भक्ति तुम्हारी जाए खत्म हो जाएगा है। इसलिए किसी विषय पर हमें सावधान रहनी चाहिए, ठीक है। कृपा दत्ता नाम पावने भो वैष्णव।